Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मोजो स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे अभी मौजूद हूँ कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। मथुरा में के पीछे ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं मेरे, इसका नाम रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट है। कल तक यह ताज फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता था। कल तक इसका मेन्यू चिकन चंगेजी, चिकन कोरमा और नहारी था, लेकिन आज यहाँ पे सभी जो मेन्यू है, जो भी खाना है, वो अब वेज हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उस स्टाफ में से करीबन 40 लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है, ये मथुरा के जो कृष्ण जन्म स्थल है, मंदिर, उसके करीब पड़ता है। इसके कारण यहाँ पे नॉन वेज खाना बेचने की मनाही है। हमने स्टाफ के कुछ लोगों से ऑफ रिकॉर्ड बात करी, उन्होंने बताया कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बदलती राजनीति प्रदेश की, इसके कारण हमको ये कदम लेना पड़ा। इस पूरे मसले को लेके जो इसके मालिक है मोहम्मद जमील साहब, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी वो रेस्टोरेंट में मौजूद नहीं है और जानेंगे कि असल में वो क्या मजबूरियाँ थी जिसके कारण उन्हें अपने रेस्टोरेंट का नाम बदलना पड़ा, साथ के साथ अपने स्टाफ में से लगभग 40 लोगों को निकालना पड़ा। वैसे हम बता दें कि मथुरा और उत्तर प्रदेश में ये नया नहीं है कि नाम को लेके काफ़ी ज़्यादा लेके पहला बवाल है। इससे पहले भी कई ज़्यादा जो है बवाल नाम को लेके होते रहे हैं। साथ के साथ ये भी हम बता दें कि मथुरा में हाल ही में अभी एक रेस्टोरेंट जो रेड़ी पटरी पे जो डोसा लगाने वाला व्यक्ति था, उसकी मारपिटाई कुछ राइट विंग एक्टिविस्ट ने की थी, हिंदू एक्टिविस्ट ने, जिसके बाद जो मामला था और गर्माया था। हम इस पूरे मामले के बारे में और डिटेल से आपको खबर बताएंगे। मोजो स्टोरी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं अमित पांडे, कैमरामैन अनूप के साथ मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.